प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस के मॉडल पेपर के क्रम में मैंने इससे पीछे 6 वीडियो अपलोड किए हैं, जिनमें क्वेश्चन संख्या 71 तक के दिखाए गए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और इससे अगला जो क्वेश्चन संख्या 72 जो है वो क्या है कि ए बी सी डी और ई पांच नदियां हैं। ए बी सी डी और ई कितनी नदियां हैं? पांच नदियां हैं। और इन पांच नदियों में अपने को बोला गया कि ए बी से छोटी, ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। तो ए बी से छोटी है, तो ए बी से छोटी है, बी से छोटी होगी मगर ई से लंबी होगी। जो छोटी हो उसको नीचे लिख देंगे और जो लंबी हो उसको ऊपर। तो ए बी से छोटी होगी और ई से लंबी होगी। उसके बाद में सबसे लंबी जो है वो सी है, तो सबसे लंबी है ना सी है, तो सबसे लंबी जो नदी है वो क्या है? सी। फिर उसके बाद में बोला गया डी बी से बहुत छोटी है, डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। तो डी बी से बहुत छोटी है, डी से बहुत छोटी है परंतु ए से कुछ लंबी है। तो ए से कुछ लंबी होगी, ये डी बी से छोटी होगी, ए से लंबी होगी। तो क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे छोटी नदी क्या है, तो मित्रों यहां पे सबसे छोटी नदी है वो क्या है? ई। तो अपना उत्तर आएगा सबसे छोटी नदी क्या है? तो ई। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सूर्यास्त के समय राम और श्याम आमने सामने से आए थे। तो दोस्तों दो स्थिति होती है, एक सूर्योदय एक सूर्यास्त। तो सूर्यास्त का मतलब सूर्यास्त होता है पश्चिम दिशा में और पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है और पूर्व दिशा में क्या होता है? उदय। और अस्त जब होता है तो किसी भी आदमी की परछाई अगर पूर्व दिशा में पड़ती है और उदय जब होता है तो किसी भी आदमी की परछाई किस तरह पड़ती है? पश्चिम। तो इसका मतलब अपने को बोला गया कि सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त के समय जो है वो परछाई किस तरह पड़ेगी? पश्चिम में, ये पूर्व में। सूर्यास्त के समय परछाई किस तरह पड़ेगी? पूर्व में। और कौन कौन आ रहे थे? राम और श्याम। तो मित्रों ये राम हो सकता है, ये कौन हो सकता है? श्याम। और ये श्याम हो सकता है और ये कौन हो सकता है? राम। क्योंकि राम और श्याम आमने सामने से आ रहे थे तो ऊपर से राम आ सकता है, नीचे से श्याम जा सकता है। इसी तरीके से ऊपर से श्याम आ सकता है और नीचे से राम जा सकता है। फिर राम ने देखा, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो जो देखता है, अगर राम देखता है तो राम का वैद्या लिख देंगे और यदि श्याम देखता है तो श्याम का वैद्या लिख देंगे। यानी कि जो भी देखता है चाहे वो देखे राम चाहे वो देखे श्याम। तो राम ने देखा, तो राम ने देखा और राम ने देखा तो इसका बाएं दाएं लिखेंगे। तो इस कंडीशन में इसका मुंह नीचे की तरफ, इसका मुंह ऊपर की तरफ। और आपको बताया किसी भी व्यक्ति का बाएं दाएं वो हमेशा उसके मुंह की दिशा के अनुसार व्यवस्थित होता है। तो जैसे इसका मुंह अगर नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ है, यानी कि एक तरीके से दक्षिण की तरफ है, तो दक्षिण के हिसाब से इस तरफ तो बाएं आएगा और इस तरफ दाएं आएगा। और इसका मुंह उत्तर की तरफ है तो इसका मुंह उत्तर के हिसाब से इस तरफ बाएं और इस तरफ क्या आ गया? दाएं। यानी कि सीधी सी एक ही बात ध्यान में रखो कि घड़ी की सुई की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणावर्त में दय है, तो दय दाएं में आता है तो दक्षिणावर्त की तरफ तो दाएं होगा। और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, उसमें वामावर्त बोलते हैं उसको, और उसमें वह है तो वह किस तरफ आएगा? बाएं की तरफ। अब राम ने देखा कि श्याम की परछाई राम की दाई तरफ पड़ी थी, तो राम के दाई तरफ श्याम की परछाई इस चित्र से पड़ रही कि राम के दाई तरफ, ये जो राम के दाई तरफ श्याम की परछाई होगी कि नहीं होगी? ये राम के दाई तरफ श्याम की परछाई होगी। तो फिर क्वेश्चन में ये बोला गया कि राम का मुंह किस तरफ है? तो दोस्तों राम का मुंह किस तरफ है? नीचे की तरफ। यानी कि किस दिशा में राम का मुंह? दक्षिण दिशा। तो राम का मुंह किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में। यानी कि राम का मुंह पूछ लिया गया तो दक्षिण दिशा। अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम ने विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो जैसे ये है यहां से ये राम चला और ये श्याम चला, दोनों पांच पांच किलोमीटर चलते हैं, एक राम चल गया और एक श्याम चल गया, दोनों पांच पांच किलोमीटर चल दी। फिर उसके बाद में भाई इस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया था
5 किलोमीटर ये हो गया और 5 किलोमीटर ये हो गया, 5 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद में दाएं ओर मुंह करती है, किस तरफ मुंह करके दाएं, तो ये जो है ना इसका तो दाया ऊपर की तरफ होगा और इसका जो दाया वो किस तरफ होगा नीचे की तरफ, और 7-7 किलोमीटर चलते हैं, तो इसका 7 किलोमीटर ये, 7 किलोमीटर ये, क्योंकि इसका मुंह जो है वो पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा के हिसाब से ऊपर की तरफ दाया, और इसका मुंह पूर्व में, पूर्व के हिसाब से नीचे की तरफ दाया। फिर उसके बाद में दोनों फिर दाएं ओर मुड़ते, तो अब इसका मुंह ना दक्षिण में, दक्षिण के हिसाब से इस तरफ दाया, और इसका मुंह ना उत्तर में, और तो उत्तर के हिसाब से इस तरफ दाया, तो इसका फिर दाएं मुड़ते और 5 किलोमीटर चलते, ये 5 किलोमीटर, और फिर ये भी दाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता, तो ये 5 किलोमीटर चलते, तो ये 5 किलोमीटर हो गया और ये भी 5 किलोमीटर हो गया। फिर क्वेश्चन बोला गया तो बताओ दोनों के मध्य दूरी क्या, तो दोनों के मध्य दूरी ये, दोनों के मध्य दूरी क्या, ये यहां पे पहुंच गया और ये यहां पे पहुंच गया, तो इसका इन दोनों के मध्य दूरी क्या है, तो इसका 7 किलोमीटर ये और 7 किलोमीटर ये, तो 7 और 7 कितना किलोमीटर हो गया 14, इन दोनों के मध्य जो आ गई वो 14 किलोमीटर की आ गई, क्योंकि 5 इस तरफ चले थे, 5 इस तरफ चले थे, फिर 7 ऊपर और 7 नीचे, फिर ये दाएं मुड़ करके 5 चला और फिर ये दाएं मुड़ करके 5 चला, उसी पॉइंट पे आ गया, और इन दोनों के मध्य ना वो कितना किलोमीटर की दूरी होगी 7 और 7 कितना हो गया 14। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी जिसका मुंह पश्चिम दिशा में है 145 डिग्री दक्षिणावर्त मुंह है, तो पश्चिम दिशा में मुंह है, तो पश्चिम दिशा में एक आदमी का मुंह है, तो ये इस तरफ मुंह कर दिया पश्चिम, ये इस तरफ किस तरफ मुंह कर दिया पश्चिम। अब ऐसा कहानी कभी भी आए तो दक्षिणावर्त और वामावर्त आए, चाहे दाया व बाया आए, चाहे दक्षिणावर्त और वामावर्त आए, चाहे दाया व बाया आए, हमेशा क्या करोगे इनका जोड़ कर लोगे, दक्षिणावर्त का जोड़ कितना, वामावर्त का जोड़ कितना, इनका जोड़ कर लोगे, इनका ऐड कर लोगे, तो इसका लोग दक्षिणावर्त घूमता है कितना डिग्री 45, तो दक्षिणावर्त के नीचे 45 डिग्री लिख दे, अगर वामावर्त फिर पुनः दक्षिणावर्त घूमता है 180, तो इसका दक्षिणावर्त के नीचे 180 डिग्री लिख दी, फिर हम उसके बाद में वामावर्त घूमता है 270 डिग्री, तो वामावर्त के नीचे कितना लिख दिया 270। फिर है ना अगर ऐसे क्वेश्चन में कभी है ना तुरंत दाया और तुरंत बाया आ जाते, तो तुरंत दाया का मतलब जैसे मेरा मुंह पूर्व दिशा में, तो मेरा मुंह पूर्व दिशा में, तो मैं तुरंत दाया मुड़ूंगा, तो मेरा मुंह जो है वो जो है दक्षिण दिशा में हो जाएगा, तो इसका मतलब इस कंडीशन में जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना 90 डिग्री का, तो तुरंत दाया है तो 90 डिग्री दाया और तुरंत बाया है तो 90 डिग्री बाया, तो अब इसका जोड़ किया तो ये जो आ गया वो तो अपने पास आ गया 225 और ये आ गया 270, तो ये तो 225 और ये 270, तो 225 तो दक्षिणावर्त का, 270 वामावर्त का, तो इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 45 डिग्री जो है वो बच गया वामावर्त, अपने पास बच गया वो कितना बच गया 45 डिग्री और वो किसका बच गया वामावर्त का, तो इसका एक व्यक्ति को यदि 45 डिग्री वामावर्त घुमाए जाते हैं, तो 45 डिग्री यदि एक व्यक्ति को वामावर्त घुमाया जाता है, तो इसका मतलब इसका मुंह जो है वो पश्चिम दिशा में था और 45 डिग्री इसको अगर वामावर्त घुमाएंगे तो इसका मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा और नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये तो दक्षिण होता है ये पश्चिम होता है, तो किस दिशा में इसका मुंह हो गया दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होगी दक्षिण पश्चिम। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में जो बोला गया एस टी के 10 मीटर दक्षिण है, एस टी के कितने मीटर दक्षिण है 10, तो एस टी के 10 मीटर दक्षिण है, तो इसका मतलब ये एस है, ये टी के 10 मीटर दक्षिण है, कितना मीटर हो गया 10। फिर उसके बाद में टी यू के 6 मीटर पश्चिम है, तो टी यू के 6 मीटर पश्चिम में हो गए, टी यू के 6 मीटर पश्चिम में हो गए, एस जो है वो टी के 10 मीटर दक्षिण में हो गया, टी यू के 6 मीटर पश्चिम है, यू वी के 15 मीटर उत्तर में, यू वी के 15 मीटर उत्तर में, तो इसका मतलब यू वी के 15 मीटर उत्तर में, तो ये वी है इसके उत्तर में हो गया यू। उसके बाद में डब्ल्यू वी के 6 मीटर पूर्व में, तो डब्ल्यू वी के 6 मीटर पूर्व में, तो इसका मतलब ये जो डब्ल्यू वी के 6 मीटर पूर्व में, तो ये डब्ल्यू हो गए टी के नीचे आ गए, और एक्स डब्ल्यू के 5 मीटर उत्तर में, तो इसका मतलब एक्स जो है वो डब्ल्यू के
अपने को बोला गया था डब्ल्यू वी के 6 मीटर पूरे में, तो डब्ल्यू वी के 6 मीटर पूरे में। उसके बाद में जो आगे जो अपने को बोला गया था कि भी एक्स डब्ल्यू के 5 मीटर और उत्तर में, तो इसका मतलब यहां पे इसके बीच में एक्स आ जाए। तो बताओ टी एक्स के किस दिशा में, तो अपने को पूछा गया कि टी एक्स के किस दिशा में है, तो टी एक्स के किस दिशा में, तो ये एक्स है इसमें चौराहे बना लेंगे, तो ये जो टी है ना ये एक्स के किस दिशा में हो गया रे, उत्तर दिशा। टी एक्स के किस दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में। तो टी एक्स के किस दिशा में, तो उत्तर। तो जो जिस दिशा में है उसी दिशा में करते रहेंगे और फिर उसको अपन अरेंज कर लेंगे और अरेंज करने के बाद में जो जिसके जिस दिशा में पूछे, तो जिसके बोले ना उसके ऊपर क्या बना लेंगे, चौराहे बना लेंगे और चौराहे बना करके जिस दिशा में होता है उसी दिशा में अरेंज करके बता। अगला क्वेश्चन है वो एक पासा दिया गया क्वेश्चन संख्या 77 में, और उसमें बोला गया 2, 4, 6 और इसमें पूछ लिया गया कि 5 के विपरीत कितना होगा। तो देखो पास से दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो सामान्य पासा और एक मान्य पासा। तो सामान्य पासा में क्या होता है कि दर्शाए गए पासे में एक साथ दर्शाए गए तीनों सतहों में से किन्हीं भी दो सतहों का योग यदि 7 होता हो, यानी कि या तो 2 और 4, 7 होता हो, या 4 और 6, 7 होता हो, या 6 और 2, 7 होता हो, तो सामान्य, और अन्यथा क्या हो गया मान्य। और मानक पासे में परस्पर विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो ये जो है ना ये सामान्य पासा नहीं है, इसमें ना 2, 4, 6 तो सामान्य नहीं है, तो ये क्या है मानक है। और मानक पासा है तो मानक पासे में परस्पर विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो 2 के विपरीत कितना हो गया 5, 2 के विपरीत जो हो गया वो कितना हो गया 5। तो इसमें अगर क्वेश्चन में ये पूछ गए कि 2 के विपरीत कितना होगा तो 5। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया 5, 4, 2, 5, 2, 3 और 4 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों दो पासों की स्थिति जब भी आए उसमें तीन स्थिति बनती है, पहली कोई भी अंक समान नहीं, तो कोई भी अंक समान नहीं हो तो उन दोनों पासों में समान सतह में आए अंक परस्पर विपरीत होंगे, और समान सतह पर आए अंक परस्पर विपरीत कैसे होंगे कि पहले में ऊपर जो आ रहा है दूसरे में भी ऊपर जो आ रहा है वो दोनों विपरीत होंगे, पहले में जो दाई साइड में आ रहा है दूसरे में जो दाई साइड में आ रहा है वो दोनों विपरीत होंगे, और पहले में जो बाई साइड में आ रहा है दूसरे में जो बाई साइड में आ रहा है वो दोनों विपरीत होंगे। उसके बाद में अगर दोनों समान, तो इसका उन दोनों समान अंकों को छोड़ दें, उन दोनों समान अंकों को छोड़ करके और शेष बचे परस्पर विपरीत होंगे, तो यहां पे पूछा तो 5 और 2 समान है, 5 और 2 समान है, तो यहां पे शेष क्या बचा 6, तो 4 के विपरीत विद्यार्थी क्या होगा 3, 4 के विपरीत क्या हो गया 3। और अगर एक अंक समान, यदि एक अंक समान हो तो उस समान अंक से क्लोकवाइज रोटेट होंगे एक में और दूसरे में क्लोकवाइज रोटेट होंगे, और जो अंक जिसके नीचे आएगा वो अंक उसके ही विपरीत होगा। इस तरीके से तीन स्थिति, एक अंक समान हो, दो अंक समान हो और कोई भी अंक समान हो, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो जो है वो क्या है, अगर भाई के बी ए एच के एम बी पी एच, तो प्रिय विद्यार्थियों यहां पर तीन पासे दर्शाए गए और तीन पासे आ जाए, चार पासे आ जाए, पांच पासे आ जाए, उनमें हमेशा क्या करना है दो पासों वाली स्थिति लगानी, और दो पासों वाली स्थिति लगा करके फिर तीसरे पासे में अपने को चेक कर लेना कि ये स्थिति फॉलो हुई है या नहीं। तो इसमें अपन दो पासों की स्थिति लगाते हैं, तो इन दोनों में जो एक अंक समान हो क्या है कि, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि दो पासों की स्थिति में अगर एक अंक समान हो तो समान अंक से क्लॉकवाइज रोटेट होंगे, तो के के बाद में है ना बी आएगा, बी के बाद में क्या आएगा ए, और इसी तरीके से यहां पे भी के को मैंने, तो के बाद में एम और एम के बाद में क्या है एच, के बी ए और के एम एच। तो प्रिय विद्यार्थियों ए के नीचे एच आया, बी के नीचे एम आया, और के जो है उसके ऊपर जो बचा हुआ आएगा, और बचा हुआ क्या है पी, तो यहां पे जो बचा हुआ है ना वो क्या है पी। तो इसका मतलब ए के विपरीत एच, बी के विपरीत एम और पी के विपरीत के, और ये जो बात है ना तीसरे पासे में चेक कर लेनी, जिस तरीके से अपने लोकल में नहीं देखते कि विपरीत का मतलब होता है एंटी, और एंटी जो होते हैं ना वो कभी भी एक साथ बैठे हुए नहीं दिखा देते, यानी कि अपने को कोई ये बता दे कि वो आदमी उस आदमी का एंटी था, तो वो दोनों आदमी अगर एक साथ बैठे हुए दिख जाए ना तो इसका वो क्या बोल रहा था, झूठ बोल रहा था।
फिर आगे दूसरे आदमी से पूछेंगे, तो इसमें भी वही चीज है। तीसरे वाले में क्या करना, चेक करना, तो क्या के और पी एक साथ है, के और पी जो है वो एक साथ है क्या, नहीं। इसी तरीके से बी और एम एक साथ है क्या, नहीं है। इसी तरीके से ए और एच, ए और एच जो है वो भी एक साथ नहीं है। तो इसके मतलब अगर अपने ये पूछ ले कि ए के विपरीत क्या था, तो ए के विपरीत अपने से पूछ ले तो वो क्या आएगा, एच। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ ले कि ए के विपरीत क्या है, तो ए के विपरीत क्या आएगा, एच। उसके बाद में इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन देखते हैं वो क्या बोला गया कि एस वी का इकलौता पुत्र है। तो दो कहानी होती, एक तो इकलौता पुत्र, एक इकलौता पुत्री और एक इकलौती संतान। इकलौता पुत्र, इकलौती पुत्री, इकलौती संतान। इकलौता पुत्र का मतलब पुत्र एक है, पुत्री कितनी भी हो सकती है। इकलौती पुत्री का मतलब पुत्री एक है, पुत्र कितने भी हो सकते। और इकलौती संतान का मतलब जो भी है वो एक है, चाहे वो पुत्र हो और चाहे वो पुत्री। तो इसमें ना अपने को बोला गया एस बी का इकलौता पुत्र है, और ऐसे क्वेश्चन को कभी भी अगर करना है सोल्व, तो बराबर की पीढ़ी को बराबर में रखो, ऊपर नीचे की पीढ़ी को ऊपर नीचे रखो। और अगर यदि कोई महिला हो तो उसके ऊपर घोड़ा लगा दो, डेस्क लगा दो, जिससे अपने को ये पता चल जाए कि ये क्या है, महिला है, वरना दोबारा से पूरे क्वेश्चन को उठा के नहीं देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या बोला गया है एस वी का इकलौता पुत्र है, तो इसके वाले ये भी ले लिया, इसका पुत्र है कौन है, एस। एस वी का इकलौता पुत्र है, वी ऊपर है या एस नीचे, वी आर से विवाहित है, वी आर से विवाहित है, वी किससे विवाहित है, आर। तो इसका मतलब वी जो है ना वो आर से विवाहित है, तो इसका मतलब वी आर से विवाहित हो गया। अब अपने को नहीं पता आर पत्नी भी हो सकती और आर पति भी हो सकता है, यहां पे विवाहित बताया नहीं कि अपने की बोला गया कि वी आर का पति है या वी आर की पत्नी। फिर एम आर की पुत्री है, तो एम आर की पुत्री है, तो इसका लिए आर की पुत्री होगी एम। एम जो है वो किसकी पुत्री है, आर की, तो ये आर की पुत्री होगी एम, तो पुत्री होगी तो इसका लिए महिला है। और मैंने बताया यदि महिला है तो वहां पे क्या लगाना, घोड़ा। उसके बाद में अगला आर ए की दादी है, तो आर ए की दादी है, तो इसका मतलब ये जो आर है ना वो ए की दादी है, तो इसका मतलब महिला होगी, और ए की दादी है तो इसका ए एस का पुत्र हो गया कि नहीं होगी। अरे आर ए की दादी है तो ये महिला होगी, और महिला होगी तो ये इसकी पत्नी होगी, और पत्नी होगी तो इसका मतलब ए जो है वो एस का पुत्र हो गया। और फिर क्वेश्चन में बोला गया एस का ए से क्या संबंध है, तो एस का ए से क्या संबंध है, तो ऐसे क्वेश्चन में का संबंध देने वो जो लगता है वो अपना उत्तर आएगा। तो एस का ए से क्या संबंध है, तो एस का ए से क्या संबंध है, तो पिता का। और अगर क्वेश्चन ये बोल दिया था कि ए का और एस से क्या संबंध है, तो पुत्र या पुत्री। तो इसका अपने को पूछा गया एस का ए से क्या संबंध है, तो इसका मतलब अपना जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, पिता। क्या आएगा, पिता। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। इस क्वेश्चन को ऐसे बोल दिया जाता है कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए वीना ने कहा, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे बोल दिया जाता है एक पुरुष की तस्वीर की तरफ इशारा करते एक महिला ने कहा, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे बोल दिया जाता है कि एक पुरुष और एक महिला एक बस में एक साथ यात्रा कर रहे थे, तो तीनों एक ही बात है। वीना ने क्या कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो भाई वीना के दादाजी का इकलौता पुत्र, तो वीना का दादाजी, यानी कि अगर अपन वीना हो तो अपना दादाजी का इकलौता पुत्र तो अपन हो गए भाई, अपने दादाजी का इकलौता पुत्र अपना पिता हो गया, और अपने पिता जो है का पुत्र तो वो अपना क्या हो गया, भाई, क्योंकि अपन लड़की। तो इसका मतलब वीना के दादाजी का पुत्र तो वो क्या हो गया, वीना का भाई, वीना का भाई, भाई वीना के दादाजी के पुत्र का इकलौता पुत्र तो वीना का भाई हो गया, क्योंकि दादाजी का पुत्र उसका पिता और उसका पुत्र वीना का भाई। तो फिर क्वेश्चन में बोला गया वे लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित था, तो वीना का भाई हो गया। क्या हो गया, वीना का। अगला क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई बराबर एक्स वाई की माँ है,
x प्लस वाई बराबर एक्स वाई की क्या है माँ, ठीक है। तो x है ना वो किसकी माँ है, y। फिर x माइनस वाई बराबर एक्स वाई है, वाई का x किसका वाई है रे, वाई। फिर उसके बाद में x भाग y, तो x y का पिता है और x गुणा y, तो x बहने वाई। और आपने को पूछा a प्लस एम माइनस एन गुणा बी में a का b से क्या संबंध है, तो सबसे पहले वो लगे a प्लस एम, तो x प्लस वाई का मतलब x y की माँ है, तो a प्लस एम, a जो है ना वो किसकी माँ रे, m, a m की क्या होगी माँ, a जो हो m की क्या होगी। फिर m माइनस है तो इसका मतलब x माइनस वाई, तो m माइनस n, तो इसका मतलब x माइनस वाई का मतलब है x y है y का, तो m माइनस n, तो m किसका वाई है रे, n का, एम किसका भाई है, एन का, एम जो भाई हो गया वो किसका हो गया, एन। उसके बाद में एन गुणा बी, तो ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो एन गुणा बी, तो एन है ना वो किसकी बहन है रे, बी, एन बी की बहन होगी, महिला होगी, बुरा लगा दिया। तो ए का बी से क्या संबंध है, तो दोस्तों ये इसकी बहन, बहन का भाई यानी कि अपना भाई, और अपने भाई की माँ अपनी क्या लगी रे, भाई बी की बहन एन और एन का भाई एम, तो बी का भाई एम हो गया, और उसकी माँ तो वो भी उसकी क्या लगी माँ, तो इसका मतलब ए का बी से क्या संबंध है, तो अपना उत्तर क्या आएगा माँ, किसका है माँ का। अगला जो क्वेश्चन वो क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्या, तो सबसे पहले क्या बोला गया विषम संख्या, तो इसमें टारगेट करो विषम संख्या को, एक विषम है, तीन विषम है, एक विषम है, पांच विषम है, सात विषम है, एक विषम है, इसके बाद में एक विषम है, सात विषम है, इसके बाद में एक विषम है, तो इसमें बोला गया ऐसी कितनी विषम संख्या, तो पहले टारगेट कर लिया विषम संख्या, फिर उसके बाद में क्या बोलेंगे जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आती, तो तत्काल बाद आती किसी अन्य विषम संख्या के, तो इसका पहली जो है ना वो तो एक होगी, ये पहली तो तीन होगी क्योंकि एक के तत्काल बाद आई कि नहीं आई। उसके बाद में दूसरी पांच होगी क्योंकि एक के तत्काल बाद है, इसी तरीके से तीसरी क्या होगी सात, और आगे जो ना कोई भी ऐसी संख्या विषम संख्या नहीं है जो कि किसी विषम संख्या के तत्काल बाद आती है। इसमें ऐसे क्वेश्चन कभी एबीसीडी के भी आ जाते हैं कि एबीसीडी की एक लंबा सा वो दे दिया जाता है, उसमें ऐसे बोल दिया जाता है किसमें ऐसे कितने हैं या इसमें ऐसे कितने स्वर है, इसमें ऐसे कितने व्यंजन है जो कि किसी स्वर के तुरंत बाद आ रहे हैं या किसी व्यंजन से तुरंत पहले आ रहे हैं, तो जो भी चीज बोले पहले तो उसको टारगेट करो, और फिर जो आगे या पीछे की जो स्थिति बोली गई उसको चेक करो, और चेक करने के बाद में जहां पे स्थिति फॉलो हो रही वो अपना आंसर, तो इसमें जो है वो कितना एक दो और कितना हो गया, तो ऐसी कितनी विषम संख्या है जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आती है, तो अपना आंसर क्या आ गया तीन, अपना जो उत्तर आ गया ना कितना आ गया तीन। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है ये सीरीज का क्वेश्चन है, एक नौ पच्चीस उनचास और क्वेश्चन मार्क 121। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक का स्क्वायर है, नौ तीन का स्क्वायर है, पच्चीस पांच का स्क्वायर, उनचास सात का स्क्वायर, फिर उसके बाद में 121 है, तो गुणचास सात का स्क्वायर हो गया, तो बीच में नौ का स्क्वायर आएगा, कितने का स्क्वायर आएगा, और नौ का स्क्वायर आएगा, तो नौ का स्क्वायर जो है अपना वो क्या आ गया 81। तो यहाँ पे जो अपना पद आएगा वो कितना आएगा 81 यानी कि 81। अगले जो सीरीज है ना तीन तीन छह अठारह बेहतर, तो यहाँ पे तीन को एक से मल्टीप्लाई किया तीन आ गया, तीन को दो से मल्टीप्लाई किया छह आ गया, तीन को छह को तीन से मल्टीप्लाई किया अठारह आ गया, अठारह को चार से मल्टीप्लाई किया अठारह चौक बेहतर आ गया, इसी तरीके से बेहतर को पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो पांच दूनी दस और सात पंजे पैंतीस और एक कितना हो गया छत्तीस, तो अपना उत्तर जो आ गया वो कितना आ गया 307। तो पहले गुणा किया एक से, फिर दो से, फिर तीन से और फिर चार से, आगे किससे गुणा करते हैं पांच। अगला जो क्वेश्चन वो क्वेश्चन है कि पी यू आर क्वेश्चन आर टी क्यू एन, तो दोस्तों इसमें ना पी है ना वो कितने पे है 16 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, आर जो है ना 18 नंबर पे, टी कितने नंबर पे 20 पे, क्यू जो है वो जो 17 नंबर पे, और एन जो है
हो चुका है। तो इसका मतलब ये जो अपने नंबर लिख ली और फिर आपने देखा यहां पे कि 16 से 21 हुआ है, तो इसका मतलब 16 से 21 हुआ है, तो इसका मतलब 16 से 21 हुआ प्लस 5 और 21 से 18 हुआ तो माइनस क्या हो गया 3। तो ये कोई सिस्टम नहीं बैठा, आगे भी नहीं बैठी। तो इससे अपन इसमें ना यहां पे जो अपन देख सकते हैं वो दोहरी श्रृंखला देख सकते हैं, वो कैसे कि 16 से 18, 18 से 20, ठीक है 16 से कितना हो गया 18 और 18 से 20 और 20 से कितना हो गया 22। दोस्तों यहां पे क्या था, V था, क्या था V था, तो 20 से क्या हो गया 22। इसी तरीके से यानी कि प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो इसका मतलब 21 से 19 होगा और 19 नंबर पे अपना जो आएगा वो क्या आएगा एस और 19 से कितना होगा 17 यानी कि -2 -2 और -2 21 माइनस दो 19 19 माइनस दो कितना हो गया 17। तो 17 नंबर पे जो है ना क्यू दे रखा है और 19 नंबर पे क्या आता है एस, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा एस। अगला क्वेश्चन है 4E 8I 13N और 19T, तो इसका मतलब 4 + 4 = 8, 8 + 5 = 13, 13 + 6 = 19, तो आगे क्या होगा प्लस 7 क्योंकि +4 + 5 + 6 तो आगे क्या होगा +7। तो प्लस 7 करेंगे तो 19 + 7 और 19 + 7 जो है वो कितना हो गया 26। 19 + 7 कितना हो गया 26, जैसे 19 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया 26। फिर उसके बाद में ई 5 नंबर पे, उसके बाद में आई 9 नंबर पे और उसके बाद में एन 14 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, तो वही क्या हुआ +4 + 5 + 6 क्योंकि 5 में 4 जोड़ा 9 और 9 में 5 जोड़ा 14 और 14 में 6 जोड़ा कितना हो गया 20 और इसी तरीके से 20 में जो है वो अपन 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और 27 नंबर पे एबीसीडी कंप्लीट हो जाती है, तो एबीसीडी कंप्लीट हो जाती है तो 27वें नंबर पे ए आ जाएगा क्योंकि 26 नंबर तक तो जेड हो गया और 27वें नंबर में क्या आ गया ए। उससे अगला क्वेश्चन और वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि ए जेड बी दृष्टान ए जेड दृष्टान, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी है ना तो विद कोलम अक्सर गिन लो, तो इसमें ना अपन ने गिने इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हुआ, कितना हुआ 15, तो 15 हुआ ठीक है। यहां पे जो है 16 हो गए, ये यहां पे कितने हो गए 16, 16 हो गए तो 4 4 के अपन ने क्या बना दिए ब्लॉक, ठीक है तो यहां पे जो है ना वो 4 4 के क्या बना दिए ब्लॉक, ठीक है तो 4 4 के ब्लॉक बना दिए, तो 4 4 के ब्लॉक बना दिए यहां पे, तो इसका लो 4 4 के ब्लॉक बना दिए तो पहले ब्लॉक में ए ए और यहां पे दिख स्थान है तो यहां पे क्या आएगा ए, फिर उसके बाद में दूसरे ब्लॉक में जेड है जेड है यहां पे दिख स्थान है तो क्या आएगा और फिर तीसरे में जेड, फिर यहां पे बी है इसमें भी क्या आएगा बी और इसमें भी बी है इसमें भी है और इसमें ना वाई और वाई वाई वाई, तो इसका मतलब अपना उत्तर आएगा वाई बी जेड और ए, तो अपना जो उत्तर आएगा वो वाई बी जेड ए, तो अपना जो उत्तर आ गया वो क्या आएगा वाई बी जेड ए क्योंकि 4 4 के ब्लॉक बनाए और उसमें क्या बोला ए जेड बी वाई ए जेड बी वाई ए जेड बी वाई। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है इसमें जो अपने को बोला गया वो क्या बोला गया 2 4 5, तो दोस्तों इसमें क्या गुणा किया गया 4 2 8 8 5 कितना हो गया 40, 5 3 15 15 3 कितना हो गया 45, तो इसी तरीके से इसको गुणा करेंगे तो 6 1 6 और 6 4 कितना आएगा 24, तो इसमें जो अपना उत्तर आएगा वो कितना आएगा 24, तो 24 जो आ गया वो अपना क्या आ गया आंसर, तो इसमें क्या किया गया बार वाले को आपस में क्या किया गया गुणा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या 3 5 64 5 4 81 4 2 36 और 6 4 यहां पे क्या बोले, तो 3 और 5 64 है तो दोस्तों इन दोनों का जोड़ करके इसका क्या किया गया स्क्वायर, इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ करके इसका क्या किया गया स्क्वायर, इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ करके इसका स्क्वायर किया गया
तो इसी तरीके से इनको जोड़ करके 6 और 4 10 को जोड़ देंगे तो 10 का स्क्वायर किया तो अपना जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 100। तो दोस्तों इसमें जो किया गया वो क्या आ गया 100। तो इसका मतलब इनको जोड़ करके ना इनका स्क्वायर किया गया। और इससे आगे के जो क्वेश्चनों का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और इसी तरीके से आपको गणित और रीजनिंग के बढ़िया बढ़िया वीडियो अपलोड करता रहूंगा। धन्यवाद।